निश्चित रूप से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पोर्टल पे पड़ा था, लेकिन गिरफ्तारी की मांग भी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ये तो नहीं कहा था कि उनकी पत्नी के साथ उत्पीड़न कर दिया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, उनकी मामी को जो है वो अलग अलग राज्यों में लेकर घूमा जाए। ये पुलिस प्रशासन का काम है, घेरेबंदी करते यहाँ पर आकर सांसद साहब गाली गलौज कर रहे हैं, कमिश्नर को कह रहे हैं, ये कहाँ तक है? अब अगर सरकार में भी इस तरह से हैंडीकैप हो जाएंगे तो क्या होगा? शैलेंद्र कुमार को मैंने कभी पार्टी कार्यालय देखा नहीं है, ये भी नहीं पता कौन शैलेंद्र कुमार है, पता नहीं। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त जो है यूपी तक की टीम मौजूद है ग्रैंड ओमेक सोसाइटी के सामने, और आज जो है समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन यहां पर पहुंचा है और साथ साथ यहां पर मौजूद है समर्थक समाजवादी पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज यहां पर पहुंचने का एक जो समाजवादी पार्टी का एक वो एक एंगल है वो क्या एंगल है, और साथ साथ क्या मांगे होंगी इनकी भी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहन त्यागी है। आपका पद? मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ, लोहिया वाहिनी विंग के। तो सर आज जो समाजवादी पार्टी यहां पर पहुंचा है और श्रीकांत त्यागी की वाइफ अनु त्यागी से मुलाकात हो रही है, क्या कुछ मांगे होंगी समाजवादी पार्टी? देखिए, मांगे तो जब पूरा डेलीगेशन मिल लेगा उसके बाद तय करेगा, लेकिन यहां पर डेलीगेशन इसलिए पहुंचा है कि जिस तरीके से अनु त्यागी और उनकी श्रीकांत त्यागी की जो मामी है इंगला त्यागी, पुलिस प्रशासन ने उनके साथ जिस तरह का उत्पीड़न किया है, दुर्व्यवहार किया है, इंगला त्यागी को 3 दिन पुलिस प्रशासन अलग अलग स्टेट्स में लेकर घूमी है बिना किसी महिला कांस्टेबल के, होटल में उन्हें रुकना पड़ा पुलिस कांस्टेबल्स के साथ, तो ये मेरे ख्याल से एक तरीके से पूरा उत्पीड़न है, और मैं कहूंगा प्रशासन और सरकार की ये मिलीजुली साजिश थी कि परिवार के साथ उत्पीड़न किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहां के सांसद ने कमिश्नर को अपशब्दों का प्रयोग किया उससे पूरा दिख रहा था कि दबाव बन चुका है और उसी दबाव के तहत ये काम किया जा रहा है। लेकिन सर पहले भी तो मतलब जैसे ही इंसिडेंट हुआ था उसके बाद समाजवादी पार्टी और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी जो है ट्वीट करके गिरफ्तारी की डिमांड की थी और ये कहा था कि उस महिला को न्याय कब तक मिलेगा जिसका वीडियो जो है वो वायरल हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले समाजवादी पार्टी के पोर्टल पे पड़ा था, लेकिन गिरफ्तारी की मांग भी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी के साथ ये तो नहीं कहा था कि उनकी पत्नी के साथ उत्पीड़न कर दिया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, उनकी मामी को जो है वो अलग अलग राज्यों में लेकर घूमा जाए। ये पुलिस प्रशासन का काम है, घेरेबंदी करते यहां पर आकर सांसद साहब गाली गलौज कर रहे हैं, कमिश्नर को कह रहे हैं, ये कहां तक है? अब अगर सरकार में भी इस तरह से हैंडीकैप हो जाएंगे तो क्या होगा? ये तो पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है, और फिर कहा फिर कह दिया जा रहा है कि ये भाजपा के नेता नहीं है। आप बताइए मुझे कौन से शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटो नहीं है श्रीकांत त्यागी जी का, सबके साथ है, और संबित पात्रा कहते हैं 2 कोड़ी के कार्यकर्ता भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है। सर आपका नाम? शिवम त्यागी, एडवोकेट, मैं जिला महासचिव हूँ समाजवादी यूजन सभा मुजफ्फरनगर से। तो सर आज मांगे क्या होंगे? मांगे कुछ नहीं है, देखिए जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो डेलीगेशन आया है उसकी जो आख्या जाएगी उसके बाद डिमांड की जाएगी, पहले इसकी जांच है क्या प्रकरण हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या कहाँ कमियां रही है शासन और प्रशासन की, उसकी पूरी आख्या मांगी गई है। और आज जैसे ही डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला था सुबह पता चलता है कि समाजवादी पार्टी के जो महानगर उपाध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, ये कहते हुए कि नहीं भाई मैं जो है उनके समर्थन में नहीं जाऊंगा जो कि जिन्होंने महिला के साथ बदतमीजी की, और खुद वो भी आश्चर्यचकित थे कि भाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे ये फैसला ले सकते हैं। पहले तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, वो महानगर अध्यक्ष जो है वो पूर्व थे, फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं है, हो सकता है उनका भारतीय जनता पार्टी के तरफ जो मोह है उनका बढ़ रहा हो इसलिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया हो, इस्तीफे की उनकी कोई मान्यता नहीं है क्योंकि उनके पास वर्तमान में कोई पद नहीं है, इस कारण हो सकता है उन्होंने अपनी पब्लिक स्टंट के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। जी सर, आपका नाम? मुकुल त्यागी, प्रदेश सचिव यूजन सभा। तो क्या लगता है कि आज क्या समाजवादी पार्टी का यहाँ पर आने का मकसद हो सकता है और क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे? देखिए, मांगे तो हमारा प्रतिनिधि मंडल अभी बात करने के बाद ही बता पाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलने गए हुए हैं अन्नू जी से और इगला जी से। सबसे पहले मैं आपको ये चीज मैं थोड़ा अवगत करा दूं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रही है, एक तरफा कार्यवाही जो श्रीकांत जी पे हुई है उससे अलग एक महिला के सम्मान की बात करती है पार्टी, और दूसरी तरफ पीड़ित परिवार को गाड़ी में घुमाना, बच्चों की लाइट काट देना, बिजली काट देना, इन सारी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए था, और जितनी कार्यवाही उनके बनती थी उस पर करने के बाद में इन लोगों को थोड़ा सा उस परिवार की तरफ भी देखना चाहिए था। और शैलेंद्र कुमार पे क्या कहेंगे? शैलेंद्र कुमार, मैं देखिए जो शैलेंद्र कुमार हैं ये हमारे जितने भी संगठन हैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबको भंग किया हुआ है। जो शैलेंद्र कुमार हैं ये अब किसी पद पर नहीं है, उनकी अपनी विचारधारा है, हो सकता है भाजपा की तरफ कुछ जाने का मोह उनका बन रहा हो क्योंकि उनका अभी कोई किसी पद पर वो है नहीं। जी, आपका नाम? मैं के त्यागी, जिला बागपत से जिला उपाध्यक्ष हूँ
और समाजवादी पार्टी से। क्या कहेंगे शैलेंद्र कुमार के बारे में? शैलेंद्र कुमार का अपना निर्णय है, वो कुछ भी अपनी तरफ से वो इस्तीफा दे सकता है, वो सबका अपना अपना वो है अधिकार है। हो सकता है उसका मोह किसी और पार्टी में हो गया हो या उसको कोई निजी कोई ऐसी बात हो सकता है श्रीकांत परिवार से उसको कोई निजी दूरी रखते हो। आपका नाम? मेरा नाम दीपक नागर और मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा का। आप शैलेंद्र के बारे में बार बार पूछ रहे, मैंने तो शैलेंद्र यादव को कभी पार्टी कार्यालय शैलेंद्र कुमार को मैंने कभी पार्टी कार्यालय देखा नहीं है, ये भी नहीं पता कौन शैलेंद्र कुमार है, पता नहीं। मैं हैप्पी पंडित जी, हमारी समाजवादी पार्टी में 15-16 यूनिट है जिसमें अलग अलग है। अब कोई पार्टी का पद ले ले और घर बैठ जाए और लेटर पे दे, वो थोड़ी नहीं होता है। हमने तो आज तक देखा नहीं है उसको शैलेंद्र कुमार को। जी, आपका नाम? मेरा नाम हैप्पी पंडित, मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ समाजवादी छात्र सभा का। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर भेजा है, वो केवल और केवल इसलिए भेजा है कि जो अनु त्यागी और इंगला त्यागी जी के साथ में जो गलत बर्ताव हुआ, जो बुलडोजर चला, जो उनके बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया, जो उनके साथ ज्यादती हुई, उनके मान सम्मान के लिए यहाँ पर भेजा गया, उस प्रकरण की जांच के लिए भेजा। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ना तो कानून की ना संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, ना कानून की कोई चली ना संविधान की कोई चली, बस जैसा जो मन में आया उस तरीके से गलत व्यवहार करते गए। तो इसीलिए उस प्रकरण की जांच के लिए प्रतिनिधिमंडल आया है और यहां से हम लोग सीधा जांच के बाद में लखनऊ रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद में जो मान सम्मान और हक और अधिकार की न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी उसे समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी अनु त्यागी और इंगला त्यागी के लिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अभी डेलीगेशन जो गया है वो डेलीगेशन बकायदा वहां जाकर जो मुलाकात करता है उसके बाद यहाँ से ये लोग जो है लखनऊ जाएंगे, वो टीम अपनी जो है बताएगी कि क्या कुछ मांगे हैं और आगे क्या कुछ प्लान होगा। लेकिन तमाम सवालों के बीच एक और ये मुद्दा उठा कि शैलेंद्र कुमार यहाँ पर जो है पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं कौन है शैलेंद्र कुमार, वो तो जानते ही नहीं है और हो सकता है कि अगर होंगे भी तो किसी और पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया होगा। लेकिन तमाम अपडेट्स अभी तक जो है यूपी तक आप तक पहुंचाता रहेगा, तो लगातार जुड़े रहिए यूपी तक के साथ क्योंकि अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगे। धन्यवाद।